हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी वो एक एरिया है जहाँ पे बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को हम अलग अलग एरियाज़ में अप्लाई करते हैं और इसके अलग अलग ब्रांचेस भी हैं। जैसे कि जो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी वाला जो ब्रांच है वो मैरीन और एक्वेटिक एप्लीकेशन से रिलेट करता है। उसी तरह जब हम ग्रीन के बारे में बात करते हैं तो वो एग्रीकल्चर, रेड मेडिकल, और उसी तरह वाइट जो है वो इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशन है उससे रिलेट करता है। आपको पता के मुझे अच्छा लगता है कि जो इंडिया है वो 12 डेस्टिनेशन है, मतलब कि 12वें नंबर पर है। अगर आप देखो ग्लोबल लेवल पर जो मेजर सेगमेंट जहाँ पे बायोटेक यूज़ होता है वो है बायोफार्मा, बायो सर्विस, बायो एग्रीकल्चर, बायो इंडस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इस सेक्टर में ग्रोथ के जो अलग अलग ड्राइवर्स हैं जिसके कारण और ज़्यादा ये ग्रो कर रहा है वो तो है कि हमारा पहला पहला पॉइंट है कि हमारा यूथ जो है, जो कि इतना बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो। उसके बाद जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ कर रहा है, और जो बायोटेक में एक्सपेंडिचर है या R&D है उसके कारण ग्रो कर रहा है। स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल, एनहांस्ड पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, ये सारे इसके ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। अगर हम सिग्निफिकेंस देखें बायोटेक्नोलॉजी का, आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी में बायोलॉजी जो है उससे यूज़ किया जाता है लिविंग प्रोसेस, ऑर्गेनिज्म और सिस्टम के थ्रू टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी, जिससे कि ह्यूमैनिटी का एज अ होल ग्रोथ होता है। अगर हम सिग्निफिकेंस के बारे में देखें तो पहला तो है कि फूड सिक्योरिटी में, फूड सिक्योरिटी यानी कि हमारे जो क्रॉप्स हैं वो और ज़्यादा रेजिलिएंट होते हैं पेस्ट के अगेंस्ट या डिज़ास्टर के अगेंस्ट या इंसेक्ट्स के अगेंस्ट। दूसरा कि डिजीज़ को टैकल करने में, आपको पता है कि नए नए तरीके के वायरस के कारण डिजीज़ आ रहे हैं, जैसे कि आपका कोरोना, जीका, और साथ में कई सारे जो बैक्टीरिया उसके रेजिस्टेंट रखने वाले भी डिजीज़ आ रहे हैं, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। तीसरा बायो एनर्जी, देखिए जो बायो इथानॉल या बायो डीजल है इसका जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है वो उसमें भी आपका बायोटेक्नोलॉजी का रोल है। चौथा है कि एडवांसमेंट इन ड्रग्स, जैसे कि इनोवेशन ड्रग्स, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कॉस्ट कम करके बेटर हमें ड्रग्स देना। उसके बाद बायो फोर्टिफिकेशन, जिसमें कि हम किसी क्रॉप में का क्वालिटी बढ़ाते हैं बाय इनपुट, उसमें किसी न किसी तरह का बायो फोर्टिफिकेशन करके उसका क्वालिटी और ज़्यादा बेटर करता है, ताकि जो हमारा पॉवर्टी या चिल्ड्रन न्यूट्रिशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको हम बेटर डील कर सकें। फिर नेक्स्ट है आपका एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, इससे क्या होता है कि जो हमारे लाइफ स्टॉक हैं या जो मिल्क की एफिशिएंसी है उस वो और ज़्यादा इम्प्रूव होती है। उसके बाद बायो रिमेडिएशन, बायो रिमेडिएशन ऐसा एरिया है जो कि पॉल्यूटेंट से रिलेट करता है, यानी कि जैसे कि आपका इसका एग्जाम्पल हो गया ऑयल स्पिल, उसमें बायो जो रिमेडिएशन है इसके थ्रू हम एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स को बेटर हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद लास्टली स्टेम सेल थेरेपी में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, इसका अलग ही एक चैप्टर है आपका साइंस के अंदर। अगर चैलेंजेस का बात करें तो पहला चैलेंज तो ये है कि हमारी भी जो R&D है वो बहुत कम है, ये सिर्फ 0.67% है, और जब आप इसे कंपेयर करते हो चाइना, US जैसे देश से ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। दूसरा है कि जो IPR रेजिम है वो बहुत ज़्यादा आपका हमारे यहाँ फ्लेक्सिबल नहीं है, स्पीडी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और साथ में जो सेक्शन 3D है ऑफ पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट ये स्ट्रिक्ट करती है स्टैंडर्ड्स, थेरेफॉर डैम्पिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि अगर पेटेंट अच्छा नहीं होगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस एरिया में नहीं आएगा। उसके अलावा जो कंपलसरी लाइसेंसिंग का जो रेजिम है उसके कारण भी हमारे जो मेडिकल में रिसर्च और R&D में प्रॉब्लम होता है। तीसरा है लैक ऑफ मार्केटाइजेशन, मतलब कि जो रिसर्च हो रहा है उसको आपको मार्केट के डिमांड से भी रिलेट करना होगा, या जो रिसर्च हो चुका है उसको मार्केट में भी इंट्रोड्यूस करना होगा, उसका मार्केटाइजेशन होगा जो कि हमारे देश में नहीं देखा जाता। उसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस की कमी, लेस ल्यूक्रेटिव, मतलब कि ये ऐसा सेक्टर है जिसमें लोग ज़्यादा जाना नहीं चाहते, उनको लगता है कि उन्हें रिटर्न उस एंगल से नहीं मिलेगा। लास्टली रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ये एक ऐसा एरिया है कि जो गवर्नेंस नॉर्म्स है या लाइसेंसिंग पॉलिसी या पेटेंट पॉलिसी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इनिशिएटिव्स जो हैं अलग अलग इसमें लिए गए हैं, जैसे हायर बजट एलोकेशन, 100% FDI, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, अटल जल अनुसंधान बायोटेक मिशन,
और वे अहेड में हमें R&D इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, हमें कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है ताकि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री जो है वो साथ आके इस एरिया में काम करें। तीसरा जो फैक्टर है इसमें कि जो फंडिंग है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए और जो इंडस्ट्री बेस्ड R&D है उसको स्ट्रेटेजिकली आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। पूरा जो इकोसिस्टम है वो आपका जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि साइंटिस्ट हो गए, इनोवेटर्स हो गए या फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स, मार्केट हो गया, उसके अनुसार डिज़ाइन करना पड़ेगा। लास्टली कि इसको जो ये देखिए इंटर डिसिप्लिनरी एरिया है आपका, तो ज़रूरी है कि जो बाकी फील्ड है उसके साथ रीच आउट हो, कोऑर्डिनेशन हो और ज़्यादा इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च हो। तो इस तरह से हमने ये वाला टॉपिक समझ लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।